वेलकम डियर रॉकर्ट्स, आज हम लाए हैं एक फैंटास्टिक कॉमेडी एडवेंचर मूवी जिसे देखकर आप हर सेकंड इतना हंसेंगे कि आपकी लाइफ टाइम दोगुनी जरूर हो जाएगी। जेम्स बॉन्ड मूवीज और मिशन इम्पॉसिबल जैसी कई स्पाई मूवीज तो हम सब ने देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी कैट्स एंड डॉग्स को सीक्रेट एजेंट्स का काम करते हुए देखा है? नहीं ना, तो आज हम आपको वही तो दिखाने आए हैं। कैट्स एंड डॉग्स के बीच की दुश्मनी तो हम जानते ही हैं, लेकिन एक्चुअली उनके बीच की दुश्मनी किस हद तक जा सकती है ये इस मूवी में आपको दिखाएंगे। मूवी की शुरुआत में सुबह सुबह घर के आगे न्यूज़पेपर पड़ा होता है और एक बहुत ही क्यूट सा कैट उसको खेल रहा होता है। घर के अंदर से बड़ी नाम का डॉग उसको देख रहा होता है। कैट जितना क्यूट दिखता है उतना है नहीं दोस्तों, ये बड़ी को चिढ़ाने के लिए यहाँ खेल रहा है। ओए बड़ी, पिंजरे में बंद शेर की तरह अंदर से क्या घूर रहा है? हिम्मत है तो बाहर आके मुझसे पंगा ले। अंदर बड़ी कूद रहा होता है कि तू ठहर जा बेटे, दरवाजा तो खुलने दे, फिर बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। और तब उस घर के लोग आते हैं। उस फैमिली में स्कूटी नाम का एक छोटा लड़का है और वो जैसे घर का दरवाजा खोलता है तो बड़ी स्पीड पोस्ट की तरह उस कैट को चेस करने लगता है। अब कैट हर गली और हर घर से होकर जा रहा होता है और बड़ी भी उसको छोड़ने वाला नहीं था। दोनों मिलकर उस पूरे एरिया में तोड़फोड़ करते हुए भाग रहे होते हैं और इस सुपर चेस के अंत में बड़ी उस कैट को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक कैट रोड पर मरा पड़ा होता है। अब बड़ी को बहुत ही बुरा लगता है कि मेरी वजह से बेचारा मर गया। वैसे तो मैंने इसको अपने हाथों से मारना था, लेकिन ये तो किसी नेशनल परमिट वाली लॉरी के नीचे आके मर गया। फिर वो कैट के पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि कैट मरा नहीं बल्कि मरने की एक्टिंग कर रहा था। और उसी वक्त एक वैन आती है और बड़ी को उसमें किडनैप करके लेके जाती है। वैन के अंदर कई कैट्स मिलकर बड़ी की खूब पिटाई करके उसको वहां से लेके जाते हैं। अब कुछ दूर पर एक डॉग ये सब कुछ वॉच कर रहा होता है और यही इस मूवी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और इसका नाम है बुच। बुच बड़ी तेजी से अपने डॉग हाउस के अंदर जाकर एक बटन को प्रेस करता है और तब एक शानदार कम्युनिकेशन सिस्टम खुलता है। उसमें बड़ी इमरजेंसी मैसेज देता है कि सीक्रेट एजेंट बड़ी को किडनैप कर लिया गया है, जल्दी से हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करो, ओवर एंड आउट। अब डॉग्स के सीक्रेट हेडक्वार्टर्स को दिखाते हैं और लगता है कि बड़े की किडनैपिंग की न्यूज बिल्कुल वायरल हो गई है। ये क्या, इस एरिया के सारे डॉग्स सीक्रेट एजेंट्स हैं? वाह, सबके सिस्टम में फ्लैश न्यूज आती है कि आज की ताजा खबर, बड़ी किडनैप हो गया है, अलर्ट हो जाओ। तब मूवी का टाइटल कैट्स एंड डॉग डालकर मूवी शुरू होती है। इन सीक्रेट एजेंट्स का बॉस मीटिंग में बताता है कि एजेंट बड़ी को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन इस वजह से हमारा प्लान रुकना नहीं चाहिए। इस दुनिया के करोड़ों डॉग्स की जिंदगी हमारे हाथों में है और हम हर हाल में अपना मिशन पूरा करेंगे। सबसे पहले हमें बड़ी की जगह पर एक एक्सपर्ट एजेंट डॉग को अपॉइंट करना होगा। अब इसके बाद एक बार को दिखाते हैं जहां बेगल्स ब्रीड के कुछ पपीज होते हैं। ये नॉर्मल डॉग्स हैं जो सीक्रेट एजेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानते और सब बड़े खुश होते हैं कि चलो भाई, कोई हमें अडॉप्ट करने आ रहा है, अब तो हमें अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छे लोग, अच्छी सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा और वो भी फ्री फ्री। लेकिन एक मेहनत पपी इन सबसे अलग होता है और यही हमारी मूवी की जान शान और हमारा हीरो। वो कहता है, दूर हटो लेजी डॉग्स, मैं अपना दिमाग यूज करके यहाँ से बचने वाला हूँ। और फिर सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू पैदा तो हो गए हो पर तुम्हारा दिमाग कब पैदा होगा भैया। तब हीरो उनको लेक्चर देने लगता है कि तुम लोगों की दुनिया कितनी छोटी है, बाहर जाकर तो देखो, रशिया का एक कुत्ता तो स्पेस मिशन में जा चुका है और दूसरे कई डॉग्स हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ करके दिखाया है। तुम्हारी तरह दाना पाने के लिए जीना कोई जीना है लुल्लू? मेरा भी एक लक्ष्य है स्पेस मिशन में, ना सही लेकिन कम से कम पास वाले नुक्कड़ के पुलिस स्टेशन में जाकर वहां का पुलिस डॉग तो बनकर दिखाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो रस्सी को खींचता हुआ जाता है। हीरो ने सेटिंग तो बड़ी खूब की होती है, अब उसे रस्सी छोड़नी है और इस खिड़की से बाहर कूद रहा है। तब वो रस्सी छोड़ता है और ऊपर लड़की भी बोरी नीचे गिरने लगती है और उसी फोर्स से हीरो भी हवा में उड़ता हुआ चिल्लाता है कि अरे अपना टाइम आएगा। फिर थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से बेचारा हीरो अंदर ही गिर जाता है और उसके सर पर बाल्टी गिरती है। अब सारे बेगस खूब हंसते हैं कि ले लो ये सिखाएगा हमको। और तब अचानक बार के फ्लोर पर एक सर्कल बनता है और उसके अंदर से अल्सेशन ब्रीड का एक बड़ा डॉग बाहर आता है और सभी को डांटता है कि तुम यहाँ करके रहो, चलो अंदर भागो। बेगस डरकर उस होल में गिर जाते हैं और अंदर से कुछ अल्सेशन पपी बाहर आते हैं जो कि सीक्रेट एजेंट्स हैं। अब वहाँ स्कूटी की माँ पपी खरीदने आती है क्योंकि उनका डॉग बड़ी खो गया है और ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट एजेंट्स को मिल चुकी है और इसलिए बेगस को अंदर भेजकर वो अपने अल्सेशन की टीम यहाँ लाए हैं। अब एजेंट्स का लीडर कहता है, एंग्री यंग सोल्जर्स, क्या तुम्हें पता है कि उस लड़की के घर जाकर क्या करना है? और सभी कोरस में कहते हैं कि यस सर सब पता है, पूछ लाना जानते हो ना? यस सर कहकर सभी पूछ लाते हैं। तब स्कूटी की मां अंदर आती है और डॉग का ओनर कहता है कि मेरे पास बहुत ही क्यूट बेगस डॉग्स हैं। फिर वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ क्यूट बेगस की जगह अल्सेशन होते हैं और वो कहती है कि ये तो किसी भी एंगल से क्यूट नहीं लगते। और तब बकेट के अंदर से अपना हीरो निकलता है, ओ ही इज सो क्यूट, और ये कहकर हीरो को लेके जाती है। मतलब जिस घर में एक सीक्रेट एजेंट को जाना था अब वहाँ एक नॉर्मल डॉग चला जाता है। और उसके बाद हीरो को गिफ्ट रैप करके स्कूटी को दिया जाता है। बड़ी के खो जाने से स्कूटी बहुत ही अकेला और चिड़चिड़ा हो गया था, इसलिए उसकी माँ उसके लिए नया पपी लाती है। लेकिन वो हीरो का मूवी नहीं देखता और कहता है कि बड़ी जरूर वापस आएगा, लेकिन वो कहती है कि देखो बेटा, एक महीने से उसका कुछ पता नहीं चला है, वो जरूर एक फैमिली के साथ खुश रह रहा होगा, लेकिन तुम्हारे इस नए पपी को तो देखो कितना क्यूट है, इसका नाम क्या रखे हम? अब स्कूटी उसको घूर कर कहता है कि इसका नाम तो लूजर रख दो।
अब उसकी माँ कहती है कि लूजर की जगह लो अच्छा रहेगा और हम इसको लोही कहेंगे। तब एक दरवाजे पर लैंड लाइट जलती है और स्कूटी की माँ उसको नॉक करती है। अचानक दरवाजा खोलकर साइंटिस्ट चार्ल्स बाहर आते हैं। चार्ल्स स्कूटी का पिता है और वो एक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। उस वैक्सीन के इस्तेमाल से इंसान हर तरह के डॉग्स एलर्जी से बच सकते हैं और अगर वो सक्सेसफुल रहा तो इंसानों और डॉग्स की बॉन्डिंग और भी पक्की हो जाएगी और किसी को डॉग एलर्जी का डर भी नहीं रहेगा। चार्ल्स हमेशा रिसर्च में लगा रहता है और स्कूटी की ओर कभी भी ध्यान नहीं देता। फिर बाहर आकर वो लोगों को स्मेल करके फिर लैब के अंदर चला जाता है, लेकिन स्कूटी के साथ खेलने की उसको जरा से भी फुर्सत नहीं मिलती। अब इस बात से स्कूटी बहुत ही दुखी होता है कि मेरे पापा मेरे साथ कभी भी खेलते नहीं है। अब उसकी माँ स्कूटी को लोगों के साथ खेलने को कहती है और ऑफिस चले जाती है। स्कूटी लोगों को 2 मिनट घूरता है, अपना लोह जीव दिखाकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर 2 मिनट बाद स्कूटी उसको बाहर छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है। चलो ये भी अच्छा ही हुआ, अब मैं नुक्कड़ के पुलिस स्टेशन में जाऊंगा और पुलिस की नौकरी लेकर ही दम तोड़ूंगा। अब ये सोचकर लोहू जॉली मूड में चल रहा होता है, तब ऊपर से एक बोन पीस आता है। अरे वाह, नौकरी से पहले नाश्ता। लोहू बोन के पास जाता है तभी एक घनी आवाज आती है, 1 मिनट ब्रो। और ये कोई और नहीं पूछ है। वो उस बोन पर एक लकड़ी फेंकता है और बोन बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाती है। फॉलो मी सोल्जर्स, और ये कहकर पूछ आगे चलने लगता है। लोहू पूछता है कि सर आप हो कौन, आपने मेरी जान बचाई है, आप ही मेरे भगवान है। ओए चुप कर, ज्यादा बटर मत लगा, चल मेरे पीछे। अब ये कहकर बुज उसको अपने सीक्रेट डॉग हाउस में लेके जाता है। वहाँ एक बटन प्रेस करता है और उस सीक्रेट सिस्टम को खोलता देख लोग एकदम चकित रह जाता है कि ये तो बड़ा टेक्निकल डॉग है। दरअसल बुज लोहू को हेडक्वार्टर से आया हुआ एजेंट समझ रहा है, जो बड़ी की जगह आया हुआ है। बुज कहता है देख बेटा लोहू, इस तरह बात बात पर एक्साइटेड होना ठीक नहीं है, बेवजह हाथ पर चलाना बंद करो, समझे? क्या तुम्हें ट्रेनिंग में ये सब नहीं सिखाया गया? लोहू कंफ्यूज होता है कि अरे ये बूढ़ा किस चीज की ट्रेनिंग की बात कर रहा है, मैंने तो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं की। ध्यान से सुनो लोहू, तुम्हारे नए घर में एक साइंटिस्ट है, वो कोई ऑर्डिनरी साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट है जो इंसानों को होने वाली डॉग एलर्जी से बचाने के लिए वैक्सीन बना रहा है। और जिस दिन उसकी वैक्सीन मार्केट में आ गई तो इंसान और डॉग्स के बीच की बॉन्डिंग बिल्कुल फेविकोल की तरह हो जाएगी। लेकिन कैट्स को लगता है कि इस वैक्सीन से इंसान कैट्स को इग्नोर करने लगेंगे और इसीलिए वे इस वैक्सीन के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो कभी भी हमको अटैक कर सकते हैं। पर कैट्स को हमसे कम मत समझना, उनके पास भी इस तरह के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं। इस साइंटिस्ट और उसकी फैमिली को कैट से बचाना ही तुम्हारी ड्यूटी है, समझ में आ गया ना तुम्हें? अब चलो अपनी टीम का इंट्रो देता हूँ। लोग कंफ्यूज होता है लेकिन फिर भी पूछ लाता है और बुज के पीछे चला जाता है। अब एक जगह पर बुज रुक कर पूछता है कि लोहू तुम्हें वहाँ क्या दिखता है? सर वो तो कचरे का डिब्बा है। अरे जरा उसको ध्यान से देखो। तब अचानक उसके पीछे से एक सेटअप निकलता है, उसमें कई इक्विपमेंट्स और वायर्स होती हैं और उनके बीच हैकर की तरह एक डॉग बैठा होता है। लोहू पूछता है सर वो कौन है? उसका नाम पीक है। मजाक मत करो सर, मुझे तो वो फ्लॉप मूवी का फटा हुआ पोस्टर लग रहा है। लो सीनर्स के बारे में ऐसा मत कहो, पीक एक टैग जीनियस है और इसके रहते कैट्स इस एरिया के आसपास भटक भी नहीं सकते। और उसके बाद फिर अगले एजेंट्स का इंट्रोडक्शन होता है। यह स्पेशल एजेंट छुपा रुस्तम, जिसका असली टैलेंट इसके बालों के पीछे छुपा हुआ है और ये भी हमेशा कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। अब बुज के बुलाने पर छुपा रुस्तम आवाज देता है कि आया सर, लेकिन वो तुरंत बाहर नहीं आता, पेड़ के पीछे छुपते छुपाते आता है और फाइनली हीरोज की तरह रोड पर लुढ़क लुढ़क कर मीटिंग में पहुंच जाता है। और तब वहाँ एक औरत आती है, बुज चिल्लाता है कि इमरजेंसी कोड रेड है, तुम लोग नॉर्मल डॉग्स की तरह एक्टिंग करो। अब एक डॉग जमीन में कूदने लगता है और दूसरा नीचे लेट जाता है और जब वो औरत चली जाती है तो वो फिर से अपनी मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। बुज अपनी टीम को बताता है कि इस नए एजेंट का नाम लोहू है, हेडक्वार्टर से पता चला है कि ये एक पहुंचा हुआ सीक्रेट एजेंट है। फिर वो लोहू से कहता है कि हम सब एक न एक काम में एक्सपर्ट्स हैं, उसका डेमो तो तुमने देख ही लिया है, पर हमें बताओ कि तुम किस चीज में एक्सपर्ट्स हो। अरे सर वो मैं अचानक पूंछ ला लेता हूँ। हाँ सर ये देखिए, मैं अपनी पूंछ को खुद पकड़ सकता हूँ। और ये कहकर लोहू अपनी पूंछ पकड़ने लग जाता है। अब इसके रंग ढंग को देखकर बुज समझ जाता है कि ये कोई एजेंट नहीं बल्कि ऐसा ही खत्म है। वो तुरंत हेडक्वार्टर्स कॉल करके कंप्लेन करता है कि यहाँ कितना इंपॉर्टेंट मिशन चल रहा है लेकिन आपने एक छोटे बच्चे को उस मिशन पर भेज दिया। और जवाब आता है कि ये हमारा भेजा हुआ एजेंट नहीं है और अब हम दूसरा डॉग नहीं भेज सकते, तुम चाहो तो इसी डॉग के साथ काम चला लो, सब कुछ अब आपके हाथ में मिस्टर बुज। और ये कहकर वो कॉल काट देते हैं। फिर एक आलिशान पैलेस को दिखाते हैं जहाँ डिनर टेबल पर कई कैट्स बैठे होते हैं और सेंटर चेयर पर बैठा हुआ है ये व्हाइट फरी कैट और यही मेन विलन है। मीटिंग में घुर्राकर कहता है कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी इमेज खराब करके ही छोड़ोगे। उस नए एजेंट के लिए हमने जो हड्डी और बॉम्ब भेजे थे उसका क्या हुआ? कैट एजेंट्स बताते हैं कि बॉस वो नया एजेंट बच गया है। अरे ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर उस साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना दी तो डॉग्स और इंसान इतने घुल मिल जाएंगे कि इंसानों की जिंदगी में हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इस दुनिया पर हमारा ही राज होना चाहिए। और इस तरह से वो दहाड़ रहा होता है तब वहाँ एक बहुत ही हट्टी कट्टी हाउसकीपर आती है और उसको देखकर लॉयन भी घबरा जाता है कि आ गई मेरी मोना डार्लिंग, पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी। लॉयन यहाँ सीक्रेट एजेंट्स की एक टीम मैनेज कर रहा होता है लेकिन मोना को देखते ही उसके हाथ पर गिड़गिड़ाने लगते हैं। इसका रीजन यह है कि मोना उसे रोज ले जाकर बाथटब में डालकर नहलाती है और उसे कपड़े पहनाती है। अब नहाना किसे अच्छा नहीं लगता है यार, आप में से भी कई ऐसे होंगे जो नहाना पसंद नहीं करते हो, अगर हाँ तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, थोड़ा हंसने का मौका मिल जाएगा।
यहाँ वो चला कोशिश करता है, लेकिन उसके हायर ऑफिशियल्स उसे नया एजेंट देने को तैयार नहीं होते। अब वो बेचारा बाहर आकर देखता है और वहाँ अपना हीरो लुई खुशी से उछल रहा होता है कि आखिरकार मैं सीक्रेट एजेंट बन ही गया। अब बुश को देखकर वो फिर से अपनी पूंछ पकड़ने के लिए गोल गोल घूमता है, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, जाकर बुश से पूछता है, सर मेरे लिए एजेंट विनोद नाम कैसा रहेगा। बुश अपना गुस्सा कंट्रोल करके लोहू को अंदर लेके जाता है और उसकी क्लास लेता है, मतलब ट्रेनिंग देता है। एजेंट बनने से पहले तुम्हें हमारी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। वो सिस्टम में एक वीडियो प्ले करता है और बताता है कि बहुत पुराने जमाने में इजिप्ट के लोग कैट्स को पेट बनाकर रखते थे, पर सच तो यह है कि कैट्स ने इंसान को अपना गुलाम बनाकर रखा था। इसलिए आज भी तुम्हें इजिप्ट में कैट्स की कई स्टैचूज मिलेंगे। इंसान कैट से परेशान हो चुका था और तब डॉग्स ने इंसान को कैट से बचाया था। तब से लेकर आज तक इंसान और डॉग्स क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन कैट्स हमारे इस फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहते हैं। अब डॉग्स और इंसान की फ्रेंडशिप को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और तुम्हें स्कूटी और उसकी फैमिली को कैट से बचाना है। आई बात समझ में? तो अब तुम स्कूटी के घर जाओगे और हम तीनों यहीं इस डॉग हाउस में रहेंगे। वक्त वक्त पर रिपोर्ट करते रहना और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर इन्फॉर्म कर देना, समझ गए? लोहू कहता है कि हाँ सब समझ गया सर, लेकिन एक छोटा सा डाउट है, जो मूवी अभी अभी आपने दिखाई वो हिंदी में डब मिलेगी क्या? मुझको देखनी थी। और बेचारा बुश इसकी नौटंकी से अब बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका है। अब दिखाते हैं लोहू स्कूटी के घर चला जाता है। वहाँ साइंटिस्ट चार्ल्स उसको उठा लेता है और एक बड़ा इंजेक्शन निकालता है। अब लोहू डर जाता है कि ये हाथी का इंजेक्शन मुझे तो नहीं लगा रहा कहीं, लेकिन चार्ल्स खुद पर इंजेक्ट करके लोगों को सूंघने लगता है और अपनी वैक्सीन का इफेक्ट चेक करता है, लेकिन कुछ देर में उसको एलर्जी हो जाती है, मतलब वैक्सीन अभी भी काम नहीं कर रही है। अब पैलेस में मोना लुआन को एकदम कपड़े की तरह धोकर बाहर छोड़ती है। वो अपने स्पेशल एजेंट्स काले को बुलाकर कहता है, प्लान ए तो फ्लॉप हो गया, अब प्लान बी को फॉलो करो और आज रात ही निंजा कैट्स को मिशन पर भेज दो। अब उस रात निंजा कैट्स अपने फ्लाइंग मशीन पर निकल पड़ते हैं, लेकिन एजेंट पीकू ने आते हुए देख लेता है और लोहू को अलर्ट करता है कि यार लोहू तू सो गया है क्या, दुश्मन ने निंजा कैट्स भेजे हैं। लोहू आधी नींद में पूछता है कि क्या निंजा कैट्स आ गए, अरे मैं कहां छुपूं। अब पीक माथा पीट कर कहता है, अरे तुम हमेशा छुपते क्यों रहते हो, तुम एजेंट हो भाई, एजेंट एजेंट की तरह फाइट करो। हाँ सर ये बात भी ठीक है, मैं एक एजेंट हूँ, मैं एक वन डॉग आर्मी हूँ। और इस तरह बड़े बड़ा आता हुआ वो नीचे आता है। इतने में एक निंजा कैट उसके बॉस को रिपोर्ट करता है कि फोन में बग सेट कर दिया गया है और दूसरा कैट लैब का डोर तोड़ रहा होता है ताकि वैक्सीन का फॉर्मूला चुरा सके, और फिर लो एक सच्चे हीरो की तरह उनको रोकता है, लेकिन निंजा कैट्स को देखकर उसकी भी हवा लीक हो जाती है। तब वो उसे वायरलेस पर इंस्ट्रक्शन देने लगता है, देखो लो बचपन में देखी भी जैकी चैन की मूवीज को याद करो और लेफ्ट लेग दीवार पर रखकर राइट लेग से मारो निंजा कैट्स को। लेकिन कुछ भी करने से पहले निंजा कैट्स उसका हवा में उड़ा देते हैं, लगता है कैट्स जेटली की फैंस है। और फिर लो सीधे जाकर किचन के आइटम सर पर लगकर नीचे गिर जाता है। अब आवाज को सुनकर चार्ल्स और उसकी पत्नी आ जाते हैं। वहाँ की हालत को देखकर वो सब सोचते हैं कि ये सब लोहू की शैतानी है। अब गुस्से में उसको घर के बाहर छोड़ देते हैं। बाहर दूसरे डॉग्स मिलते हैं और लोहू कहता है, सर आपने देखा मैंने उन कैट्स को कैसे मार गिराया। हाँ देख ली तुम्हारी फाइट, अब सब जाओ चलो बहुत काम पड़ा है। अब लोहू सोने जाता है, लेकिन तभी कचरे में से एक डॉग निकलती है। क्यों ब्रो भूख लगी है क्या, ये लो चिकन खा लो, और ये कहकर वो एक बड़ा चिकन पीस डालती है। अरे वाह दीदी ये तो बहुत ही टेस्टी है, लेकिन मैं तो एजेंट हूँ और डाइट में हूँ, इस तरह हैवी फूड नहीं खा सकता। और उसकी बात को सुनकर लेडी डॉग की हंसी आ जाती है और पास आकर उसको सहलाती है, और उसके केयरिंग नेचर को देखकर अपना लोहो तो एकदम पिघल जाता है और कहता है, दीदी दीदी एक बार और करो ना। पर वो कहती है कि कल अपने ओनर से कहना वो सहला देगा, और हाँ बुश को बता देना कि मैं आ गई हूँ, और ये कहकर वो चले जाती है। अब अगले दिन लोहो स्कूटी के आगे खड़ा होकर सर हिलाने लगता है और सोचता है कि स्कूटी उसको सहलाएगा। स्कूटी कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा। और तब वहाँ चार्ल्स आता है, उसे भी गिल्टी फील होता है कि वो स्कूटी को टाइम नहीं देता, इसलिए स्कूटी को समझाता है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ लेकिन ये वैक्सीन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉटी उसका हाथ छुड़ाकर चला जाता है, एक्चुअली वो फुटबॉल टीम में है और वो चाहता है कि उसके पापा उसको ट्रेन करे, लेकिन चार्ल्स है कि हमेशा अपने लैब में बंद रहता है, और ये सब देखकर उसकी माँ चार्ल्स से लड़ने लगती है। अब स्कूटी की हालत को देखकर लोगों को उस पर बहुत ही तरस आता है और वो जाकर स्कूटी के साथ खेलने का फैसला करता है, और इस मूवमेंट में इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। अब मोना लॉयन को पिंक कैप पहनाकर पैलेस के ओनर के पास लेके जाती है जो कि कोमा में है। ओनर को कैट से बहुत ही लगाव है और इसलिए मोना उसको वहीं छोड़कर चली जाती है, लेकिन लॉयन कैप निकाल कर फेंक देता है और काले को बुलाकर पूछता है कि और निंजा कैट्स का मिशन पूरा हुआ कि नहीं। सॉरी बॉस मिशन फेल हो गया। अरे तुम लोगों से कुछ होने वाला भी है कि नहीं, सारे के सारे इडियट्स हो। ऐसी बात नहीं है बॉस, फॉर्मूला नहीं मिला लेकिन बग फिक्स कर दिया है, अब हम उनकी हर बात सुन सकेंगे। लॉयन डांटता है कि अरे बातों का हम अचार डालेंगे, चलो कोई नहीं प्लान सी तो बचा है, उस रशियन को भेजो। और फिर दिखाते हैं कि स्कूटी की माँ तेजी से कार चला रही होती है और रोड के बीच एक क्यूट रशियन कैट को देखकर वो सडन ब्रेक मारती है, फिर वो उस कैट को घर लेके आती है और तब पीक चिल्लाता है कि छुपा रुस्तम बी अलर्ट, रडार में कुछ नया दिख रहा है, लगता है दुश्मन घर में एंटर कर रहा है। छुपा रुस्तम आसपास देखने लगता है, उसके बिल्कुल पास से कार गुजरती है और कैट भी उसके अंदर है, लेकिन वो रिपोर्ट करता है कि पीक मुझे तो कोई दुश्मन नहीं दिख रहा। पीक कंप्यूटर पर सर पटक कर कहता है कि अरे अकल के दुश्मन पहले आंखों के आगे से बाल तो हटाओ,
पूरा मुंह बाल से ढका हुआ है और कहता है कि कुछ नहीं दिख रहा। इतने में वो कैट को अंदर लेके आती है और लोहू से उसका इंट्रो भी करवा दी है। अब उसके जाने के बाद अपना लोहू कैट पर रॉब दिखाता है, अरे मेरे रहते घर के अंदर तुम नहीं जा सकती। और रशियन हंसकर कहता है, अरे बड़े आए एजेंट विनोद, अब मेरा कमाल भी देख लो। ये कहकर वो एक इक्विपमेंट निकालता है और एक बटन प्रेस करता है, तब उस मशीन से डॉग पूप निकलकर फ्लोर पर गिरता है और एन वक्त पर स्कॉटी की माँ जाती है। अब फ्लोर पर डॉग पूप देखकर वो लोहू को डांटती है कि अरे तुमने क्या कर दिया, गंदगी फैलाते हो, और उसको घर के बाहर छोड़ देती है। और फिर वो बुच से कहता है कि सॉरी मेरा यह प्लान भी फेल हो गया। कोई बात नहीं लो, वो बहुत ही चालाक रशियन कैट है, लेकिन हमें उसको रोकना होगा। और इसी बीच रशियन कैट चार्ल्स के लैब में बॉम्ब फिक्स कर देता है। इतने में स्कॉटी की माँ बाहर चली जाती है और तब बुच और लोहू अंदर आते हैं। वहाँ रशियन हाथ में चाकू लेकर एकदम रेडी है और इन्हें बैक टू बैक अटैक करने लगता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कहकर लोहू उस पर झपट जाता है और तब रशियन उस पर बूमरैंग जैसा कुछ फेंकता है और लोहू उसके साथ घूमता घूमता चक्कर खाकर गिरने लगता है और वो रशियन पर गिरता है और रशियन एक जगह फंस जाता है। अब ये देखकर बुच बॉम्ब को डिफ्यूज करने आता है। अरे लेकिन कौन सी वायर कट करनी है यार पीक, तुम कुछ तो कहो। अरे कहोगे भी या यूं तमाशा देखोगे। और पीक कहता है कि बॉस रेड वाला बटन दबाओ। अरे तुम समझते क्यों नहीं, हम डॉग्स हैं, हम कलर ब्लाइंड होते हैं। अब रेड कलर क्या है मैं क्या जानूं। ओके बॉस, फिर तो आप डार्क ग्रे वाला काट दो। बुच वैसा ही करता है और एक सेकंड पर आकर बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। अब इतने में रशियन उठ खड़ा होता है और कहता है, तुम डॉग्स भी कौन से जमाने में रहते हो यार, ये देखो बॉम्ब का रिमोट। और एन वक्त पर चार्ल्स दरवाजा खोलकर बाहर आता है और रशियन दरवाजे के पीछे पिचक कर गिर जाता है। तब बुच कहता है कि क्लीनिंग टीम को तुरंत बुलाओ और ये जगह साफ करवाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब अगले शॉट में डॉग हाउस के अंदर वे मॉनिटर पर रशियन का इंटरोगेशन देख रहे होते हैं। हेडक्वार्टर्स का एक ऑफिसर डॉग उसको बहुत ही टॉर्चर करके पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन वो आंखें गोल गोल घुमाकर एकदम कड़क टोन में कहता है, मैं वो हूँ जिसे छूकर करंट भी शॉक हो जाता है। ऑफिसर तंग आकर कहता है कि बुच इसे इंटरोगेट करना एकदम बेकार है, ये पागल बस पंच डायलॉग के अलावा कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इसके पॉकेट में एक लेटर मिला था जिस पर ये वाला सिंबल बना हुआ था, तो यही हमारा क्ल्यू है, हमें अभी इसी सिंबल का पता लगाना होगा। और ये कहकर वो निकल जाते हैं और लोहू से कहते हैं कि बेटा देख, हम स्कॉटी और उसकी फैमिली को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा अलर्ट रहना और उनकी रखवाली करते रहना। अब लोहू उदास होता है कि ये लोग मजे में चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया, लेकिन तब स्कॉटी उसके साथ खेलने आता है और फिर दोनों बहुत देर तक खेलते हैं और इसी दौरान दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब दोनों खेलते खेलते लैब के अंदर चले जाते हैं और बॉल के गिरने से वहाँ की टेस्ट ट्यूब गिर जाती है और वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगती है। अब चार्ल्स आकर उनको डांटता है कि मेरी इतनी सालों की मेहनत तुमने बर्बाद कर दी निकम्मो, अभी यहाँ से निकलो। फिर वो परेशान बैठा रहता है और तभी कंप्यूटर से एक साउंड आता है। एक्चुअली कुछ केमिकल्स के मिक्स हो जाने से वो वैक्सीन बन जाती है जिसके लिए चार्ल्स रिसर्च कर रहा था और वो बहुत ही खुश होता है और बाहर आकर लोगों को उठाकर किस करने लगता है और वो तुरंत फोन पर किसी को बताता है कि मैंने वैक्सीन बना ली है। और फोन में फिक्स किए हुए उस बग से लॉयन और कालिया भी ये बात सुन लेते हैं और लॉयन कहता है कि मैं अब चुप नहीं रह सकता, मैं खुद रणभूमि उतरने वाला हूँ। लेकिन तब उसकी मोना डार्लिंग आकर कहती है, ये देखो हम दोनों मैचिंग ड्रेस पहने हुए हैं। ओके, लॉयन बिल्कुल लॉयन की तरह दहाड़ कर कहता है, कान खोलकर सुनो मोहना बहना, आईने से अगर तुम मेरे पास भी आई तो चीर कर रख दूंगा। बड़ी आई लॉयन को गाउन पहनाने वाली। और एक कैट के मुंह से ये सब सुनकर मोना वहीं गिर पड़ती है। सोल्जर्स, मोना को अलमारी में सेफ रखवा दो, मैं लौट कर इससे निपटूंगा। अब इस पैलेस का ओनर जो कोमा में है वो एक बड़ी फैक्ट्री का ओनर है जिसमें क्रिसमस से रिलेटेड चीजें बनाई जाती हैं। फिर सारे कैट्स मिलकर ओनर को उठाकर कार में डालते हैं और खुद ड्राइव करके फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और ओनर की कार को देखकर सिक्योरिटी चौंक जाता है। अब लॉयन ओनर की आवाज में मिमिक्री करता है और गेट खोलने को कहता है। अब ओनर व्हीलचेयर में अंदर जाता है लेकिन व्हीलचेयर को लॉयन ऑपरेट कर रहा होता है और सब शॉक में हो जाते हैं कि ये तो कोमा में था, अचानक कैसे उठ गया। लॉयन ओनर को लेकर उसके कैबिन में जाता है और ओनर की वॉइस में कहता है कि मेरी पीठ पीछे तुम लोगों ने क्या क्या किया सब मुझे पता चल चुका है और इसलिए मैं अभी तुम सबको नौकरी से निकाल रहा हूँ, आइंदा इस फैक्ट्री में कदम मत रखना। और इस तरह लॉयन अचानक ही सबको निकालकर बाहर कर देता है और अब ये जगह लॉयन की डेन बन चुकी है और वह एक बहुत ही डेंजरस प्लान बना रहा है। यहाँ स्कूटी को एक मेल आता है जिसमें एक फुटबॉल मैच के 3 टिकट्स हैं। वो अपने पापा से मैच में जाने की जिद करता है और चार्ल्स भी तुरंत मान जाता है कि चलो बेटे की बात मान लेता हूँ और वैसे भी अब तो वैक्सीन का फॉर्मूला बन ही चुका है। पर फुटबॉल स्टेडियम में जाकर पता चलता है कि वहाँ इनके अलावा और कोई भी नहीं है। लगता है तीनों ही सबसे पहले वहाँ पर पहुंचे हैं और इस तरह वो सोच ही रहे होते हैं कि सिक्योरिटी रूम से कैट बॉम्ब फेंककर आता है और उसमें से येलो गैस निकलती है और उसे स्मेल करके तीनों कार में बेहोश हो जाते हैं। यहाँ घर पर लोग अपनी फैमिली को बहुत ही मिस कर रहा होता है और तब बुच आकर कहता है कि छोटू तुम्हारे काम से हायर ऑफिसर्स बहुत ही खुश हैं और उन्होंने तुम्हें ये एजेंट का कॉलर भी दिया है, आज से तुम एक ऑफिशियल एजेंट हो। और ये सुनकर लोहू बहुत ही खुश होता है। लेकिन सर क्या मुझे भी दूसरे एजेंट्स की तरह यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा? हाँ लोहू, ये भी कोई पूछने वाली बात है। सर क्या मैं इसी फैमिली के साथ नहीं रह सकता? एजेंट्स की कोई फैमिली नहीं होती समझे, तुम्हें असाइनमेंट पर जहाँ जहाँ भेजा जाएगा वहीं तुम्हें जाना पड़ेगा और वही तुम्हारी फैमिली होगी।
और तब पिग कैरेट आता है और एक कैट अंदर आता है। एजेंट लोग उसको रोक लेता है और उसकी पीठ पर एक कैसेट चिपका होता है। वे कैसेट प्ले करते हैं तो लॉयर घुरा कर कहता है कि तुम्हारे हर प्लान को फ्लॉप करने वाला कैट्स का लीडर मैं ही हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? और ये कहकर वो कैमरा घुमाता है और वहाँ चार्ल्स और उसकी फैमिली को दिखाता है। लॉयन उनको धमकाता है कि देखो डॉग्स, अगर आज रात तक मुझे इस साइंटिस्ट का वैक्सीन फार्मूला नहीं मिला तो मैं इन तीनों का सूप बनाकर पी जाऊंगा, समझे? ठीक 12 बजे हार्बर पर मिलना, ओके? और ये सुनकर लोहू टेंशन में बड़बड़ाने लगता है कि स्कोटी को बचाना है, मेरी फैमिली को बचाना है। और तब बुज उसको शांत करवा कर कहता है कि लोहू, याद रहे कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, किसी भी तरह इमोशनली कनेक्ट मत होना और ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। अब ये कहकर वो लोहू को लेके जाता है। तुम पूछ रहे थे ना कि ये रेड बटन किसने रखा है, अब देखो। और ये कहकर वो रेड बटन को प्रेस करता है और तुरंत पूरा बेस एक पॉड जैसा बन जाता है। उसमें वो बुलेट ट्रेन की स्पीड पर सीधे हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं और पहली बार हेडक्वार्टर में कदम रखने पर लोहू बहुत ही एक्साइटेड होता है कि वाह भाई वाह, इतनी शानदार जगह। वहाँ एजेंट्स डॉग की हाईटेक ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। बुच हायर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करता है कि कैट्स ने चार्ल्स की फैमिली को किडनैप कर लिया है। वो तुरंत डॉग्स का पार्लियामेंट मीटिंग अरेंज करवाते हैं और सैटेलाइट के द्वारा सभी देशों के एजेंट डॉग्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इंटरनेशनल लीडर्स की मीटिंग होती है। सभी भौंक भौंक कर अपना ओपिनियन बांट रहे होते हैं और सारे इंटरनेशनल लीडर्स मिलकर ये फैसला करते हैं कि एक फैमिली की जान बचाने के लिए हम इस इम्पोर्टेंट फार्मूला को कैट्स के हवाले कभी नहीं कर सकते, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। अब लोग गुस्से में कहता है कि आप लोग कितने सेल्फिश हैं, ये साइंटिस्ट ने हम लोगों की खातिर ये वैक्सीन बनाई, आप उसी की फैमिली को मौत के मुंह में छोड़ दोगे? वो मेरी फैमिली है और मैं उन्हें जरूर बचाऊंगा। अब बुज उसको शांत करने लगता है कि देखो बच्चे, बड़ों के सामने ऐसे नहीं बोलते, प्लीज अपना मुंह बंद रखो। लेकिन लोगों को बच्चा समझकर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और लेटर फैसला करते हैं कि कैट्स को फॉर्मूला कभी नहीं देंगे। बुज और लोग अपने बुलेट पॉड में घर जाते हैं। अब लोग बुज से कहता है कि वो लोग इतना सेल्फिश फैसला कैसे कर सकते हैं और आप मुंह बंद कर बैठे थे वहां पर। लेकिन बुज भी यही कहता है कि स्कूटी की फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीन फार्मूला है। मिस्टर बुज, मैं तब से देख रहा हूँ कि आप इस फैमिली के अगेंस्ट ही बोलते जा रहे हो, क्या आपने कोई इमोशन बचा ही नहीं है? और तब उसके बाद बुज अपना एक फ्लैशबैक बताता है, वो भी कभी एक फैमिली के साथ रहता था लेकिन एक नए डॉग के आने पर बुज को उस फैमिली ने घर से निकाल दिया था और तब जाकर बुज एक एजेंट डॉग बना। सर मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ लेकिन एक बुरी फैमिली की वजह से आप इस अच्छाई वाली फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन बुज कहता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा और जब तक तुम्हें अगला काम नहीं दिया जाता तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मेरे साथ चलो और तुम मेरे साथ डॉग हाउस में ही रहोगे। और ये कहकर वो जाने लगते हैं। और अब ये सुनकर लोग बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसने बुज से कभी ये उम्मीद नहीं की थी। लेकिन वो बुज के साथ जाने के बजाय स्कूटी की फैमिली को बचाने के लिए वैक्सीन का फॉर्मूला और नोट्स लेकर सीधे हार्बर चला जाता है और कार के अंदर बैठकर लॉयन ऑर्डर देता है कि उस कुत्ते के बच्चे को मार डालो और फॉर्मूला ले आओ। यहाँ बुज लैब में जाकर देखता है तो वहाँ फॉर्मूला नहीं होता और जिसका डर था वही हुआ। लोहू ने अपना एजेंट बैज उतार कर रखा होता है क्योंकि उसके लिए एजेंट बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी फैमिली है। अब बुज को लोहू की चिंता होने लगती है और वो पीक को बुलाता है। वो लोहू के कॉलर में लगे जीपीएस से उसको ट्रैक कर लेता है और वो भी हार्बर पहुंच जाते हैं। अब वहाँ लोहू बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है और उन्हें लगता है कि सर आप बिल्कुल ठीक कहते थे, कैट्स ने कपड़े की तरह बुरी तरह खूब धुलाई की है मेरी और निचोड़ कर फेंक दिया है। बुज टेंशन में चिल्लाता है कि तुमने मेरी बात ना मानने की कसम खाई है क्या? तुमने क्या सोचा कि तुम फॉर्मूला दोगे और तुम्हारी फैमिली को छोड़ देंगे? अरे इतने इडियट भी नहीं है वो और तुम ज्यादा इडियट हो। तभी फोन बजता है और लॉयन कहता है तुम्हारी डॉग एजेंसी को डुबाने के लिए वो इडियट लोहू काफी है, अब फॉर्मूला भी मेरे साथ है और फैमिली भी मेरे साथ। अब हम उस फॉर्मूले का रिवर्स तैयार करेंगे जिससे कि डॉग्स को छूने से इंसान मरने लगेंगे, वे डॉग्स के नाम से कतराएंगे और इस दुनिया से डॉग्स का नाम ही मिट जाएगा और फिर कैट्स का रोल शुरू। और ये कहकर वो विलन की तरह हंसने लगता है। तब वहाँ लेडी एजेंट आती है जिसने एक बार लोगों को खाना दिया था और वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने उसकी गाड़ी में जीपीएस फिक्स कर लिया है। अब फैक्ट्री को दिखाते हैं जहाँ चार्ल्स की फैमिली को रखा गया है। लॉयन काले को ऑर्डर देता है कि इनकी आंखें खोल दो। चार्ल्स चौंक जाता है कि आवाज तो आ रही है लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, इतना शौक क्यों हो रहा है? मैं हूँ तुम्हारा विलन और पूरी दुनिया मुझे लॉयन के नाम से जानती है। अब कैट को बात करते हुए देखकर चार्ल्स की वाइफ चिल्लाती है, अरे यार चार्ल्स अपनी वाइफ को बोल कि मुंह बंद रखे, मेरे कान फट रहे हैं। तो मिस्टर चार्ल्स, तुमने जो वैक्सीन बनाई थी मैंने उसकी उल्टी वैक्सीन बनाई है, इसका असर देखोगे। और ये कहकर वो वैक्सीन स्कूटी पर फेंकता है। फिर स्कूटी के पास एक डॉग को लेके जाते हैं और वो स्कूटी को देखकर खूब चिल्लाने लगता है। ऊपर से स्कूटी को एलर्जी होने लगती है और वो चीखने लगता है, देखा मेरे उल्टे वैक्सीन का कमाल। और ये कहकर वो चिल्लाता है कि कालिया वो नई गन लेके आओ। अब कालिया उसको गन देता है और लॉयन शूट करता है लेकिन गन काम नहीं करती और वो काले पर चिल्लाता है कि अरे ये कैसे गन लेके आ गए, बॉस मुझे रेड कलर बहुत पसंद है इसलिए मैं पूरे मार्केट में यही मिली है। और कैट चिढ़कर गन को फेंक देता है लेकिन फेंकने पर गन शूट होती है और उसकी बुलेट पूरे कमरे में बाउंस होकर वाटर कूलर पर लग जाती है। अब कूलर का पानी प्लग पर गिरता है और स्पार्क होता है और वहां आग लग जाती है। चलो गन से फायर ना सही, असली फायर से तो मारी जाओगे तुम लोग। और ये कहकर वो काले को भी कमरे में लॉक कर देता है। वो चिल्लाता है कि बॉस कम से कम मुझे तो बाहर निकालो।
और वैसे भी बाहर आकर कौन सा तीर मारने वाले हो तुम? एक भी काम ढंग से करते हो कभी? वहीं रहो और मरो। और ये कहकर लुआयन चला जाता है। अब अगले शॉट में फैक्ट्री के अंदर लुआयन अपनी स्पीच दे रहा होता है। उसका अपना फ्लैग होता है और बिल्कुल हिटलर की तरह बात कर रहा होता है। भाई और बहनों, मुझे पता है कि आप लोग मेरे इस नए रिवर्स वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं जानते, ऐसे इंसान और डॉग्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन डोंट वरी, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और तब दिखाते हैं कि सिटी के सारे रेड्स को इकट्ठा करके यहाँ लेके आया है। डियर रेड्स, आप तो जानते ही होंगे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अब मैं अपनी रिवर्स वैक्सीन आप लोगों पर डालने वाला हूँ, फिर आप लोग पूरे शहर में घूमकर हर घर में वैक्सीन को स्प्रेड करेंगे। इससे डॉग्स पर बुरा असर पड़ेगा और इंसानों को एलर्जी होने लगेगी। फिर क्या? इंसान डॉग से नफरत करेंगे और फिर से हमारा राज चलेगा, समझे? फिर सारे रेड्स पर वैक्सीन स्प्रे की जाती है और बुच वहाँ जाता है और सोचता है कि ये तो इंसानों से भी ज्यादा बड़ा विलन है, इसे किसी भी तरह तो रोकना ही होगा। अब सारे कैट्स फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अचानक वो जगह हिलने लगती है, ड्रम्स वगैरह नीचे गिरने लगते हैं और बुच लोहू से कहता है, बेटा तुम जाकर अपनी फैमिली को बचाओ, मैं उस लुआयन की खबर लेता हूँ। इन्हें देखकर लुआयन चिल्लाता है कि सोल्जर्स इन्हें अटैक करो, और तब वहाँ लोहू मास एंट्री देता है। स्कूटी पूछता है कि क्या तुम भी बातें कर सकते हो, और लोहू चौंक जाता है कि अरे इसे पता चल गया, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सबकी रस्सियां खोल देता है। इसी बीच लुआयन एक बड़ी क्रेन से बुच को उठा लेता है। सर जी आप फिक्र मत करो, मैं आपको बचा लूंगा कहकर लोहू एक शानदार जंप मारता है और क्रेन के अंदर पहुंच जाता है। अब लुआयन और लोहू में घमासान लड़ाई होती है, पर लुआयन की स्ट्रेंथ के आगे लोहू की एक नहीं चलती और वो लोहू को बाहर फेंक देता है। लोहू सोच में पड़ जाता है कि अब बुच को कैसे बचाया जाए। तब वो एक फॉर्म गन देखता है, ओह मजा आएगा, और ये सोचकर वो पूरी फैक्ट्री को फॉर्म से भर देता है। कुछ ही देर में ये फैक्ट्री एक्सप्लोड होने वाली है। स्कूटी और उसकी फैमिली बाहर आ जाती है और वे कोमा में पड़े हुए फैक्ट्री ओनर को भी साथ ले आते हैं। अब फैक्ट्री को दिखाते हैं जो बलून की तरह एक्सपेंड होने लगती है और आखिर में एक्सप्लोड हो जाती है और अंदर से फोम ही फोम निकल रहा होता है। स्कूटी बहुत रोने लगता है क्योंकि लोहू बाहर नहीं आया है, और तब बुच लोहू को खींचकर लाता है। स्कूटी लोहू को हाथ में उठाकर बहुत ही रो जाता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। अब सिचुएशन बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाती है। तब एक आवाज आती है कि फिलहाल तो मैं जाने वाला नहीं हूँ और तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगे ना। तब लोहू धीरे से सर उठाकर स्कूटी को देखता है और स्कूटी बड़ी खुशी से उसको सहला लेता है। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लोहू और स्कूटी की फैमिली आपस में बहुत घुल मिल गई है। चार्ल्स ने वैक्सीन बना ली है और अब वो पूरी फैमिली के साथ वक्त गुजारता है। इस हैप्पी फैमिली को देखकर बुच लोहू से कहता है कि तुम्हें सच में एक अच्छी फैमिली मिल गई है और अब तुम्हें एजेंट के काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो हम तुमको जरूर बुलाएंगे, ओके? और लोहू भी कहता है कि ओके सर, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, और इस तरह मिलिट्री टोन में कहकर वो बुच को सैल्यूट करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि लुआयन का क्या हुआ। फैक्ट्री मिट चुकी है और लुआयन को मोना घर लेकर आती है। घर के अंदर लुआयन को शॉक पे शॉक मिलता है और अब घर में एक मोना डालने की जगह चार चार मोना डालेंगे तो उस पर झपट पड़ती है। चारों मिलकर उसे नहलाकर एकदम गुड़िया की तरह ड्रेस करके बिठा देती है और उसको टिंकल टिंकल कहकर पुकारती है, और यही इसका असली नाम है, लेकिन उसे लुआयन नाम ही पसंद है। और अब बेचारा एकदम मायूस होकर बैठा हुआ है, और अब मेरा क्या होगा कालिया। और लुआयन के टिंकल बनने के साथ ही दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। फ्रेंड्स ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करिए, और साथ ही साथ हाँ सब्सक्राइब तो मैंने बोल दिया, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।